अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए, ईद पे जो जो सामान हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए ग्रोसरी करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी लेके चलें, लेकिन इस बार हम एक नई जगह जा रहे हैं, वो जगह आप लोगों को दिखाएंगे। अभी नहीं, आप पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा। चलें फिर, आ जाएं भाई। हमने जो है ना बच्चों को जो है छोड़ दिया है, वो देखें बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को मैंने छोड़ दिया ससुराल में। अब हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी संभालना फिर ग्रोसरी करना ज़रा मसला हो जाता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसके अंदर, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाना है, टाइम बड़ा शॉर्ट है। चलें चलते हैं फिर ग्रोसरी के लिए। कैसे मिलेगी ट्रॉली? नीचे से ही मिलेगी ना ट्रॉली? नीचे से मिलेगी। बनाओ चीनी भाई। ये मीज़ान ले लिया है, मीज़ान ये हैं हम चेज़प पे भाई, जौहर मोड़ वाले, जौहर मोड़ वाला चेज़प है ना, वहाँ पर है। आइटम तो महंगे लेना एक्स्ट्रा। ये चावल का सेक्शन आ गया भाई। भाई ये सारा आइटम लेना है, इतना सब कुछ लेना है हमने। अभी ये थोड़े से आइटम ले लिए हैं, बाकी देखते हैं अभी कहाँ मिलता है हमें। भाई रेट तो यहाँ पर भी ज़्यादा ही है, मतलब मुनासिब तो मुझे नज़र नहीं आ रहे कोई। मैंने सुना था कि भाई 6000 पे रेट कम है। ये इस तरह से भाई सारे शेल्फ़ यहाँ पे सेट हुए में हैं। ये है कि मतलब मेट्रो जैसा खुला निज़ाम तो नहीं है, लेकिन ये है कि इतना कंजस्टेड भी नहीं है भाई। ये फ्रूट भी लगे हुए हैं और सस्ते मुनासिब रेट पर लगे हुए हैं। ये हेल्थ केयर के प्रोडक्ट यहाँ लगे हुए हैं भाई। ये शैम्पूओं को आप देखो, दुल्हन बना के रखा हुआ है और ऐसी कोई खुशबू आ रही है यहाँ से, मैं बता नहीं सकता। ऐसे तैयार करके रखे हैं शैम्पू सारे। सीन कुछ वो है कि सस्ता उत्ता कुछ नहीं है, हर जगह महंगाई है और यहाँ भी महंगाई है, सस्ता उत्ता कुछ नहीं है। एयर फ्रेशनर? हाँ ये कैसा? हाँ ये ले लो। ले लूँ? 200 ले लें। 200 रुपये ये वाला ले लूँ? भाई ये आ गया है सारा क्रॉकरी सेक्शन, आ गया है सेक्शन है, हर किस्म का बर्तन आपको मिल जाएगा भाई। इधर सारे शेल्फ हैं। ये है कि मुनासिब रेट है, बस ये है कि लिमिटेड समझ लें, वो इतना कोई ज़्यादा ख़ास मुनासिब नहीं है, एवरेज है, एवरेज रेट है, इतना कोई ज़्यादा ख़ास कम नहीं है रेट। खास वो नहीं है कि आप यहाँ पर देखना टाइम स्पेंड कर सके फैमिली के साथ। गाड़ियों से गाड़ियाँ टकरा रही है, तीन बजे का ओपन एनवायरनमेंट नहीं, मुझे मेट्रो में दिखा भाई। ये है चेज़प, सही है ना? ये दर्द है सर। वो देखो आप चेज़प सामने, और ये पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, यहाँ रोड ही नहीं है भाई। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा भाई चेज़प नहीं आना। भाई ग्रोसरी करके तो हम वापस आ गए हैं, लेकिन हाईली नॉट रिकमेंडेड चेज़प जौहर वाला, कभी भी ना जाएं वहाँ जौहर वाले चेज़प पे। जिस तरह का बाहर हशर है और अंदर हशर है, इतना कोई कंजस्टेड है, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत मुश्किल है भाई वहाँ पे शॉपिंग करना। आप ग्रोसरी नहीं खरीद सकते वहाँ पे, दर्द कहते हैं ना दर्द सर, वो है। तो बहुत मुश्किल है भाई, उधर बाहर निकलो तो सारा रोड जैम ही जैम है, बिल्कुल जैम पैक है रोड। इतनी मुश्किल से मुझे कोई 1.5 से 2 घंटे लगे हैं घर पहुँचने में, और अंदर जाओ तो ट्रॉलियों से ट्रॉलियाँ टकरा रही हैं, ये कंडीशन है भाई। और कौन कहता है कि भाई वहाँ सस्ता है? मैंने व्लॉगर्स को देखा कि वो यूट्यूब के ऊपर जो है व्लॉग बना बना के डाल रहे हैं कि चेज़प पे जौहर वाले पे फला चीज़ सस्ती, दिमागी चीज़ सस्ती, कुछ सस्ता वस्ता नहीं है भाई, कुछ सस्ता वस्ता नहीं है, सब वैसे ही है, अच्छा खासा महंगा है। इवन कि मैं आलू अभी दोपहर में मैंने खरीदे तो 50 रुपये किलो, वहाँ जाके ले रहे हो आप तो 55 रुपये किलो। मतलब इतना कोई बेवकूफ़ बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर कि मैं क्या बताऊँ भाई आपको।
खैर मैंने तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर लिया, तो अब आपकी मर्जी है भाई, अब आप जाओ या ना जाओ। खैर फिर मिलते हैं भाई कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी आपसे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फी अमान अल्लाह।